मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के बीच छतरपुर जिले की राजनगर सीट पर कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के बाद राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार 18 नवंबर को मृतक सलमान के घर खजुराहो पहुंचे। यहां उन्होंने परिवारजनों को ढांढस बधाया। उन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इसके बाद थाना पहुंचकर धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती यहां से नहीं हटूंगा। हालांकि छतरपुर एसपी के आश्वासन के बाद दिग्विजय सिंह का धरना खत्म हो गया है। उन्होंने कार्रवाई ना होने पर बड़े आंदोलन की बात कही है। ये जो अभी एक प्रकरण यहाँ पे 300 का दर्ज हुआ था थाना खजुराहो में, उसे लेके मृतक के परिजन और उनके साथ कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ थाने में आए थे, जिसमें यहाँ मैं था और कल एडीएम साहब छतरपुर भी यहाँ उपस्थित थे। उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है इनकी सुरक्षा के लिए और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए। इस ज्ञापन को ले लिया गया है और उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें देखिए परिवारजनों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है पुलिस अधीक्षक महोदय को, और पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वस्त किया है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करके और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। तो क्या धरना खत्म हो जाएगा? दिया गया है सर, कोई समय दिया गया नहीं? समय की तो वैसे ही पहले से दिए हुए हैं। धरना कब तक खत्म होगा ये परिवारजन बताएंगे आपको। परिवारजन आप आ जाओ, पिताजी कहाँ हैं? मैं समझता हूँ कि अभी प्रशासन के साथ, मैं तो साथ नहीं गया था, लेकिन सलमान के पिता, सलमान का छोटे भाई विक्रम सिंह जी, नाती राजा, आलोक चतुर्वेदी जी, नीरज दीक्षित जी, सब लोग साथ गए थे। वहाँ क्या निर्णय हुआ है ये आप उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए। मैं तो परिवार के साथ हूँ। मैं जो इनका अभी कब्रिस्तान ले जाने का जो भी तय होगा उसमें मैं उनके साथ जाऊँगा और उनका जो दफनाने का कार्यक्रम हो जाएगा, अगर ऐसा है तो हम धरना समाप्त करेंगे। लेकिन